CTRL+C कॉपी इस शॉर्टकट का इस्तेमाल से आप किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने से पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। अगर हम कोई भी टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करते हैं तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा शब्द को सेलेक्ट करना, और सेलेक्ट करने के लिए हमें शिफ्ट प्लस एरो की का प्रयोग करना पड़ेगा। CTRL+X कट इस शॉर्टकट का इस्तेमाल से आप किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस शब्द को कट करना चाहते हैं। CTRL+Z अंडू, आप चाहे एमएस वर्ड पर काम कर रहे हो या इंटरनेट पर कोई ईमेल टाइप कर रहे हो, CTRL+Z का इस्तेमाल करके आप एक स्टेप पीछे जा सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल करके वर्ड में पूरा पैराग्राफ एक बार में डिलीट कर सकते हैं, और CTRL+Y रीडू का इस्तेमाल करके आप एक स्टेप आगे जा सकते हैं। CTRL+W क्लोज, अगर आपने कंप्यूटर के ब्राउजर पर कई टैब खोल रखा है और तत्काल किसी टैब को बंद करना चाहते हैं, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शॉर्टकट कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आप किसी इमेज को बिना कट पर क्लिक किए डायरेक्ट बंद कर सकते हैं। CTRL+A सेलेक्ट ऑल इस शॉर्टकट का इस्तेमाल किसी डॉक्यूमेंट के पूरे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा किसी फोल्डर के पूरी फाइल को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से समय की बचत होती है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो माउस को क्लिक करने और ड्रैग करने में समय बर्बाद होता है। CTRL+F कोई शब्द खोजे किसी डॉक्यूमेंट या इंटरनेट के किसी पेज पर कई लोगों की लिस्ट में से कोई शब्द या किसी नाम खोजने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह शॉर्टकट कीबोर्ड प्रेस करने के बाद स्क्रीन पर राइट साइड में आपको जो शब्द खोजना है उसे टाइप करके एंटर करना होगा। इसके बाद आप उस शब्द पर आसानी से पहुँच जाएंगे। Alt+Tab एक विंडो से दूसरे विंडो में जाएं। एक विंडो से दूसरे विंडो में जाने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर में कई टैब खोल रखा है तो इसका इस्तेमाल कर एक टैब से दूसरे टैब पर आसानी से जा सकते हैं। Alt+F4 विंडो को बंद करें। अगर आपके कंप्यूटर पर कई सारे विंडो खुले हैं तो इसका इस्तेमाल कर उन्हें बंद कर सकते हैं। अगर आपने मैटर सेव नहीं किया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर आपको मैटर सेव करने के लिए स्क्रीन पर मैसेज देगा। CTRL+ESC स्टार्ट मेन्यू ओपन करें। इस शॉर्टकट के जरिए आप बिना माउस का इस्तेमाल किए स्टार्ट मेन्यू ओपन कर सकते हैं। अगर आप लगातार कीबोर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर्सर टैब और शिफ्ट प्लस टैब से स्टार्ट मेन्यू को नेविगेट कर सकते हैं। Win+L कंप्यूटर लॉक करें। कंप्यूटर लॉक करने के आप इस शॉर्टकट कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शॉर्टकट कीबोर्ड से आपका कंप्यूटर लॉक हो जाएगा और दोबारा इस्तेमाल करने के लिए आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड पूछेगा।
विन प्लस आई सेटिंग्स ओपन करें। आप इसका इस्तेमाल कर सिस्टम की सेटिंग्स आसानी से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आप विन प्लस ए पर क्लिक कर एक्शन सेंटर पैनल खोल सकते हैं। फिर नोटिफिकेशन दिखाई देगा, इसके बाद सेटिंग्स ओपन कर सकते हैं। विन प्लस एस विंडोज सर्च करें। विंडोज और वेब सर्च करने के लिए आप इस शॉर्टकट कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। F2 विंडोज में किसी फाइल को रीनेम करने के लिए इस शॉर्टकट कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। F3 इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप सर्च बॉक्स खोल सकते हैं, फिर इसके बाद आप किसी फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एमएस डॉस में इसे प्रेस करने पर पहले टाइप की गई कमांड दोबारा टाइप हो जाती है। F5 सिस्टम को रिफ्रेश करने के लिए इस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पावरपॉइंट में इसे प्रेस करने से स्लाइड शो स्टार्ट हो जाता है। F7 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इस शॉर्टकट की को प्रेस करने के बाद अगर आप कुछ भी टाइप करेंगे तो उस शब्द की स्पेलिंग ऑटोमेटिक चेक होने लगेगी। F11 इंटरनेट ब्राउजर्स में फुल स्क्रीन व्यू करने के लिए इस शॉर्टकट कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है।